हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, इसे बैंगन चोखा भी बोलते हैं। ये एक बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत डिलीशियस भी बनता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। यहाँ मैंने बैंगन भरता बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में लिया है एक बड़ा साइज़ का बैंगन, सरसों का तेल, नमक, चार बड़े साइज़ का टमाटर, दो मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज, लहसुन इसे मैंने छोटे पीसेस में काटा है, फ्रेश धनिया पत्ता और दो हरे मिर्च। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है। अब मैं इस टमाटर को आपको काट के दिखाऊंगी। इसे हम चार हिस्सों में काटेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये टमाटर पकाने के बाद आपका टमाटर का छिलका काफ़ी आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल हम इसी प्रोसेस से सारा टमाटर काट लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने काट लिया है। अब हम इस टमाटर को पकाएंगे। मैंने यहाँ पकाने के लिए टमाटर को माइक्रोवेव में रखा है। आप इसे कढ़ाही में भी पका सकते हैं। कढ़ाही में पकाने में आपको 10 मिनट लगेगा। यहाँ मैं 5 मिनट में इसे पकाऊंगी। यहाँ मैंने माइक्रोवेव मोड में 100 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट के लिए रख दिया है पकाने के लिए। देखिए, ये पकना शुरू हो गया है। 5 मिनट होने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। ये पक चुका है। आप इसे ध्यान से निकालिएगा क्योंकि ये काफी गर्म रहता है। देखिए, यहाँ मैंने निकाल लिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। देखिए, ये कितना आसानी से निकल रहा है छिलका। इसी प्रोसेस से हम सारा छिलका निकाल लेंगे टमाटर का। देखिए, यहाँ मैंने निकाल लिया है और छिलका भी सेपरेट करके रख दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक बैंगन लिया है। अब मैं बैंगन के चारों ओर सरसों का तेल का एक लेयर बना लूँगी। यहाँ मैंने एक लेयर बना दिया है। अब मैं इसे काटूँगी। बिल्कुल ऐसे ही काटे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे मैं चार जगहों में ऐसे काट लूँगी। इससे आपका बैंगन रोस्ट करने के बाद छिलका काफ़ी जल्दी निकल जाता है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा मिर्च और कटे हुए लहसुन। यहाँ मैंने डाल लिया है हरा मिर्च। इससे आपका हरा मिर्च और लहसुन पक भी जाएगा और बैंगन भरता का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है लहसुन और हरा मिर्च से। लहसुन को आप ध्यान से डालें। इसे हम अच्छे से डालेंगे ताकि रोस्ट करते टाइम लहसुन निकले ना। अब हम थोड़ा इसे प्रेस करके रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए यहाँ मैंने एक रोटी का स्टैंड लिया है। अब मैं इस पर बैंगन रख दूंगी। ये 4 मिनट के बाद ऐसा दिखेगा और लगभग 6-7 मिनट के बाद ये बैंगन पक जाएगा। अब हम गैस स्टोव बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ मैंने बंद कर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ मैं बैंगन का छिलका निकाल लूँगी। देखिए, ये काफ़ी आसानी से निकल रहा है। देखिए, मैंने छिलका निकाल लिया है और लहसुन और हरा मिर्च काफ़ी अच्छे से पक भी गया है। अब मैं बैंगन का पिछला हिस्सा ऐसे काट लूँगी। देखिए, यहाँ मैंने काट लिया है। अब मैंने जो टमाटर पकाए थे इसे हम फोर्क के हेल्प से ऐसे मैश कर लेंगे। काफ़ी अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन के साथ लहसुन और हरा मिर्च भी डाल देंगे। फिर हम डालेंगे ये फ्रेश धनिया पत्ता और ये कटे हुए प्याज। यहाँ मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। नमक मैंने यहाँ आधा चम्मच डाला है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। उससे पहले एक चम्मच सरसों का तेल भी डालेंगे। देखिए, आप फोर्क से हेल्प से मिक्स कीजिए। इससे आपका बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। यहाँ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है और हम लोग का आज का रेसिपी रेडी हो गया है। आप इसे प्लेन राइस, लिट्टी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा आज का रेसिपी पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।